एक्साइटेड? Yes, I am excited. वही तेज भी कभी मुंबई नहीं गया, मैं तो गई हूँ पहले दो बार ही। हमारी जो एजेंसी है जो हम मैनेज करती है वो मुंबई की एजेंसी है। ये हमने पेमेंट भी एडवांस में कर दी थी, जैसे हम होटल पहुँचे तो यहाँ होटल वाले बोला कि आपकी तो बुकिंग है ही नहीं। एक और फंडा हो गया है, हमने स्कूटी बुक की थी, एज वी टोल्ड यू गाइस कि हम स्कूटी बुक कर गए, अगेन द स्कूटी गाइस नॉट रिस्पोंडिंग गाइस। भाई इसको मनाते मनाते ये तो बताना भूल गया आपको मैं कि हम जा कर रहे हैं और हम जल्दी सुबह सो के उठे क्यों हैं, 7 बजे सुबह के और नहा धो के हम निकल चुके हैं। सुबह सुबह की हम लाइट नहीं करेंगे, हम हमेशा सुबह सुबह करते हैं ना, सन भी सनराइज देख ही पाएंगे ना तो फिर लेट ही। ओके क्या मैं पहले खुद पायलट बनूंगा, खुद पर्सनल एक प्लेन मुझे लाना पड़ेगा और मुझे वो उड़ाना पड़ेगा। ऐसा होता है कि जब भी हमको जाना होता है ना पूरी रात मेरी नाइट लगती है। ये बात तो है, पता हम लास्ट हमेशा का हो गया, कहीं भी जा रहे होते ना, मैं तो फिर भी इस बार थोड़ा सो लिया, मेरी आईज पूरी सेल हो रखी है अभी भी, और हम जा रहे हैं, बताने तो मेरे को 12 बजे काटे जा रहे हो, कहाँ जा रहे हैं आप बता दो। चलो गाइस हम जा रहे हैं मुंबई जा रहे हैं। भाई मूड टेक बहुत मुश्किल से करा इसका मैंने, ठीक है। अच्छा आप फॉलो करते हो हमें? अरे यार थैंक यू सो मच भैया, आप डिस्काउंट दोगे मेरे को? 30% है। रशिका और उसकी अनएंडिंग शॉपिंग, रशिका मेरे को आ रही नींद, मुझे भी नींद आ रही है, ये नेवर एंडिंग शॉपिंग खत्म करो प्लीज आज और चल लो। तो नहीं क्या हो रहा है? देखने दो कुछ समझ आएगा तब तो लेंगे ना। ये एंटी टार्निश होता है क्या? रियल गोल्ड प्लेटेड बंद करो हाथ जोड़ के, मैं मोदी साहब से गुजारिश करता हूँ, अब ना इसको भूख लगेगी, अब ना इसको प्यास लगेगी, अब इस लड़की को ना दिक्कत हो रही है कुछ, ना हेडेक हो रहा है ना गले में दर्द हो रहा है। बहुत मजा आ रहा है यहाँ पे। चलो फिर, चलो फिर आ जाओ। थैंक यू भैया। देखा भैया भी कंप्लेंट कर रहे हैं हमें से, जबकि वीडियो नहीं आ रही, कहाँ है वीडियो? हम मोटिवेट क्यों नहीं हो पाते? पर मोटिवेट हो तो गई, मोटिवेट कर। हाँ हम जा रहे हैं मुंबई, और हम क्यों जा रहे हैं? क्यों किस लिए जा रहे हैं? हम घूमने फिरने के लिए। इतने तेज बोलो कि हम तो सुनाई दे हमारी ऑडियंस को, आपकी आवाज नहीं आ रही है। जा रहे हैं एंड हमारी जो एजेंसी है जो हम मैनेज करती है वो मुंबई की एजेंसी है, उनसे हम कभी नहीं मिले लास्ट 6 मंथ से, वो भी मैनेज कर रही है बट अभी हम कभी उनसे मिले नहीं है, तो लास्ट 6 मंथ से वो हमको मैनेज कर रही है। तो आप कैरी कर लो फिर, आपको कैरी करने वाला भी चाहिए एक बंदा अलग से। आपने मुँह क्यों लगाया इसके आगे लेंस? हाँ देखा कितना डिफरेंस आ गया। सो लास्ट 6 मंथ से वो हमको मैनेज कर रहे हैं बट हम कभी उनसे मिले नहीं है, सो इस बार हमने सोचा कि क्यों ना उन लोगों से मिल के आया जाए। वही तेज भी कभी मुंबई नहीं गए, मैं तो गई हूँ पहले दो बार ही, बट हितेश कभी नहीं गए हैं, सो थोड़ा मुंबई घूम भी आते हैं। हाँ मुझे बहुत लग रही है भूख, और फिर एक और शॉपिंग काउंटर दिख जाएगा, मेरी सारी भूख प्यास और सब मिट जाएगा। मैंने खरीदा नहीं, खरीदना मुझे मतलब 800 रुपये की चेन है, मैंने नहीं। आँखों से शॉपिंग कर ली है, चलो बंद करो। नहीं मुझे अच्छा भी लगा कुछ, इतना खास भी लगा। फुटवेयर मैं लूँगी क्योंकि मुझे चाहिए वो मेरा शगुन है हर ट्रिप का, तो वो शायद मैं यहीं से पूरा कर दूं। तो बोर मत करो आप, ठीक है? अपनी शॉपिंग की सुना के। मैं बोर नहीं कर रही हूँ, बता रही हूँ गाइस शगुन तो पूरा करना पड़ेगा ना। चलो अब वैसे 9:30 बजे की फ्लाइट है, ये लड़का नहीं 9 बजे की है, लड़का 8 बजे मुझे यहाँ लेके आ गया, भूखी प्यासी मैं। दिल्ली कितना सुंदर लगता है यार सुबह सुबह। हेलो जी, आज पहली बार आप विंडो से क्यों नहीं बैठ पाओगे मेरे साथ फ्लाई करते हुए? क्यों? क्योंकि हमें मिली नहीं विंडो सीट। कोई नहीं, कोई आएगा तो उसको शिफ्ट कर देगा। मस्त बोलेगा मुझे बादल देखने। बादल है ही नहीं, अभी धूप है। एक्साइटेड
Yes, I am excited. First time मुंबई. क्या expectations हैं आपकी मुंबई को लेकर के? पता नहीं, आपने तो ऐसे बना रखा मुंबई को, जैसे तेरे मुंबई नहीं कोई गांव जा रहे हैं, वहाँ ये नहीं मिलता, वहाँ वो नहीं मिलता. गाइज, जब मैं फर्स्ट टाइम गई थी ना, इनफैक्ट जब मैं लास्ट टू टाइम गई थी, मैं बहुत उस टाइम पे काफ़ी टाइम हो गया मुझे गए हुए, और हो सकता है कि मैं लोकेशन ऐसी चूज़ की उस टाइम पे कि मुझे बहुत कुछ जो एक्चुअली हमें दिल्ली में नुक्कड़ नुक्कड़ मिल जाता है मुझे वहाँ नहीं मिला. खाना भी मुझे वहाँ का पसंद नहीं आया. तो अब क्या पता बहुत चीज़ चेंज हो गई हो. इट्स बीन मोर देन 6 ईयर्स जब मैं गई थी लास्ट टाइम से लेके अब तक. सो मैं थोड़ी चीज़ों को उस हिसाब से लेके चल रही थी कि भैया मुझे रिस्क नहीं चाहिए. और एक गाँव में जा रही है, ऐसा लगता है मैं क्या बोलती, ये नहीं मिलेगा, वो नहीं मिलेगा, ये रख लो, वो रख लो, जो ओवर पैकिंग मैं करता हूँ ये करवा रही थी ओवर पैकिंग. हम मुंबई पहुंच चुके हैं एंड लगेज वगैरह सब लेके निकल चुके हैं होटल के लिए. होटल हमारे पास में ही है, मतलब 8 किलोमीटर दूर है अभी एयरपोर्ट से. एंड देन होटल जाने के बाद हम सबसे पहले कुछ खाएंगे एंड खाने के बाद हम घूमने जाएंगे. राइट, ठीक है. बहुत सारे काम करने वाला हूँ आज हमें यहाँ पे, शॉपिंग भी करनी है, उसमें से एक काम ये भी है. ठीक है, सो लेट्स सी दिन कैसे जाता है. आई एम होपिंग कि दिन अच्छा जाए हमारा आज का. कोई चीज़ इतनी स्मूथ कैसे जा सकती है हमारे साथ, है ना. तो गाइस, पॉपट हो गया अभी. ये क्या हो गया? जैसे हम होटल आए, हमारी बुकिंग सब कुछ डन थी, हमने पेमेंट भी एडवांस में कर दी थी. जैसे हम होटल पहुँचे तो यहाँ होटल वालों ने बोला कि आपकी तो बुकिंग है ही नहीं, क्योंकि जिस वेबसाइट से आपने बुकिंग की है उससे हमने बहुत टाइम पहले अपने होटल को अनलिस्ट कर लिया है. इनफैक्ट जैसे कि किसी भी लिस्ट जहाँ से होटल लिस्टेड ही नहीं है. तो हमें भी बड़ा शॉक लग गया आने के बाद कि ये कैसा क्या बोल रहे हैं, क्योंकि वी आर वेरी टायर्ड. पेमेंट दे चुके हैं, सब कुछ हो चुका हमारे एंड से. और अब अगोड़ा से किया था ना आपने? अगोड़ा से किया था मैंने, अगोड़ा से किया था. हम कस्टमर केयर पे बात कर रहे हैं अभी, और पता नहीं क्या होएगा. अगर नहीं कुछ हुआ तो फिर हमें कहीं और ढूंढना पड़ेगा. वैसे हमारी ट्रिप में कुछ तड़ाकेदार ना हो, मजा नहीं आता, स्मूथ स्मूथ चल रहा था कुछ. चलो करेंगे कुछ ना कुछ. आप बिना पेमेंट के मुझे आगे कहीं और ट्रांसफर भी कर दो, किसी और होटल में शिफ्ट भी कर दोगे आप? अगर अगर मैंने फैब होटल बुक किया है और आपको वो आपकी यहाँ से बुक किया है, तो आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है कि नहीं बनती मुझे आगे किसी और से कनेक्ट करवाने की, अगर फ़ोन नहीं उठा रहे तो? मेरे पास इतना टाइम नहीं है सर. मैं यहाँ पे किसी और जगह से, मैं दिल्ली से मुंबई आई हूँ और मैं किसी काम से आई हूँ. मेरे पास इतना टाइम नहीं है कि मैं यहाँ आके आप लोगों को फ़ोन ही मिलाते रहूँ पेमेंट के लिए. तो आप कनेक्ट करवाइए एक बार ही, अगर आपकी आपका होटल में आपने सर, आप एक बार ही प्लीज कनेक्ट करवाइए. अब वो नहीं फोन उठा रहे तो मतलब मैं यहाँ बाहर बैठी रहूँ होटल के. आपने दूसरी प्रॉपर्टी मुझे दिखाई है ना, मुझे वो समझ नहीं आ रही है. तो पैसे दे रखो, पैसे तो आप दोगे ना, सभी तो आप सभी तो बुक करूंगी ना मैं, पैसे तो ना छोड़ दूंगी मैं. रिफंड आपको 5 साल तक के इसमें आएगा. आपको ये किसने बोला कि आपको इमीडिएटली रिफंड मिल जाएगा? ये आपके होटल वाले ने बोला है मुझे, पहले होटल वाले ने बोला. तो भैया आप लोग अपने आप को ऐसी जगह रजिस्टर क्यों करवाते हो जब आपके पास खुद ही पूरी पॉलिसीज नहीं होती हैं? तो एक क्लाइंट आप पे ट्रस्ट करके कहीं और से आया है इतनी दूर से आपके होटल को बुक करने के लिए, और सामने से आप उसको ऐसी सर्विसेज दे रहे हो. कोई बंदा इतनी दूर से बाहर आके यहाँ धूप में खड़ा हुआ है और बाहर के सिर्फ कस्टमर केयर पे कॉल ही कर रहा है, सामने कोई रिस्पॉन्ड नहीं कर रहा है, आप एक भी उसकी सिचुएशन देखो ना. एक बंदा दूसरे शहर से दूसरे शहर में आया है और वहाँ आके वो होटल ढूंढ रहा है इस टाइम पे, पेमेंट करने के बाद. पेमेंट नहीं की होती तो फिर इतनी फाइट ही नहीं होती ना. एटलीस्ट सामने से मैं आपके एफर्ट्स तो एक्सपेक्ट कर सकती हूँ ना, कि आप मुझे सामने से कुछ एफर्ट्स तो करो उस चीज़ को क्लियर करवाने के लिए. आप तो साफ मना कर रहे हो मुझे. आपको मेरी आवाज़ आ रही है? आप ठीक सुनाई दे रहे हैं? आप मुझे प्लीज़ कनेक्ट करवाओ, क्योंकि मैं यहाँ पे एक दूसरी जगह पे खड़ी हूँ, मुझे यहाँ का कुछ भी नहीं पता है. अगर मेरी जान पहचान की जगह भी होती है आसपास तो मेरे को इतनी फाइट करने की जरूरत नहीं होती आपसे. तो भैया मैं तब तक बाहर खड़ी रहूँ यहाँ पे? नहीं है आस पास कोई दूसरी प्रॉपर्टी ऐसी, अब बताओ मैं क्या करूँ. पसंद की बात नहीं है भैया, पसंद की बात नहीं, प्रॉपर्टी जैसे बुक की थी वैसे नहीं है ना. सो गाइस, होटल से तो हम लोग निकल गए अपने सारे झोले उठा के,
एंड थैंकफुली मेरे यहाँ पे एक रिलेटिव है, उनके फ्लोर का ऊपर वाला फ्लोर जो है वो भी खाली है। कल भी उन्होंने मुझे कॉल किया था कि तू होटल्स मत बुक कर, तू सीधा यहीं आ जा, पर इतेश पेमेंट कर चुके थे, हमें ही पता कि आके ऐसा स्कैम हो जाएगा हमारे साथ। एंड अभी जब हमने फ़ोन किया अगोड़ा वालों को तो उन्होंने बोला कि हम आपको उस होटल की जगह कोई और होटल प्रोवाइड कर रहे हैं। आई डोंट नो होटल कैसा है, इस होटल से 300 किलोमीटर, इस होटल से 200 मीटर दूरी है, तो हम बस अपना लगेज लेके वहीं जा रहे हैं। पहले हम देखेंगे ये होटल है कैसा, रहने लायक है भी या नहीं, एंड देन हम फिर कोई डिसीजन लेंगे। तो फाइनली हम कहीं रुके हैं खाने पीने के लिए। हालत देख लो हमारी क्या हो गई, हम क्या बन के आए थे और क्या बन चुके हैं लास्ट आधे घंटे में। इतनी पूरी शर्ट जो है आई डोंट नो दिख रही नहीं, पूरी गीली हो गई है ये शर्ट। बिकॉज बंदे ने बाहर फ़ोन पे जा जाके इतना स्ट्रगल किया है कि मैं रिफंड करो रिफंड करो। एनीवेज वो इनिशिएट हो गया है, सो कूडोस टू दैट। बट अपार्ट फ्रॉम दैट एक और फंडा हो गया है, हमने स्कूटी बुक की थी एज वी टोल्ड यू गाइस कि हम स्कूटी बुक कर गए, होटल बुक कर गए, अगेन द स्कूटी गाय इज नॉट रिस्पॉन्डिंग गाइस। सेकंड ड्रामा, मेरा बैग टूट गया है। ओह नो, इसका बैग टूट गया है। द मोमेंट वी रीच टू स्कूटी वाले भैया का लोकेशन पे ना, तो वहाँ पे सुनने में ये आया कि यहाँ पे तो कोई स्कूटी वाला भैया है ही नहीं, और ये गेट नंबर 6 ही है और यहीं पे कोई स्कूटी वाला भैया होता नहीं है। सो अभी हम लोग बहुत एक्सेस फ्रस्ट्रेट होने के बाद हम एक कैफे में आए हैं, बहुत छोटा सा क्यूट सा है, नोमैडिक कैफे, नोमैडिक नॉम्स। तो बहुत छोटा सा क्यूट सा कैफे है, इसकी वाइब्स बहुत ब्यूटीफुल है। तो हमने कहा अब हमें कुछ खाना है बिकॉज वी आर वेरी हंग्री, एंड सो बस हमने बोला भैया को जो अगर बेचना आप मुझे वो खिला दो, मेरा गला बहुत पकड़ा है बट स्टिल। हितेश को मैंने बोला था कि आप मुंबई चल तो रहे हो बट आप इतना इजी मत समझो, बिकॉज ही सेड अभी मैंने उसको बहुत सारे चैलेंजेस बताए थे, सब कुछ ना प्री बुक करके मैं स्ट्रगलिंग आर्टिस्ट बन गया यहाँ आके। मैंने सारे चैलेंजेस बताए थे, तुमने बताए थे कि नहीं बताते बताओ यार, बताए थे ना मैंने आपको चैलेंजेस। मैंने बोला था, मैंने बोला तू मुझे तू ना हितेश प्रॉपर अपना खाने का भी अच्छा खाना पैक कर लो, बिकॉज पॉसिबिलिटी है कि खाने की चीज़ें बहुत दूर दूर हो और हमको ट्रैवल करने में फंस जाए, दिक्कत हो। पता नहीं भगवान जी तो क्या ही डिसाइड करते हैं हमारे लिए, पहला दिन जा भी हम जाते हैं ना, बोलते हैं बेटा जा रहे तो स्ट्रगल करो, फर्स्ट डे तुम सब चीज़ें एक्सप्लोर कर लो। तो वही आज भी हो रहा है हमारे साथ। एंड मैंने इनको बोला था कि हितेश आप ना प्लीज़ सब चीज़ें रख लो हैंडी, कि हम अगर कहीं भी रुके तो हमारे पास फूड तो एटलीस्ट हो खाने के लिए। थैंकफुली वी हैव फूड अभी हमारे पास, बट वो सॉलिड फूड नहीं है जिसको हम खा के संतुष्टि मिले। और हितेश को जैसे मैं जैसे उतरा हितेश हम लोग उतरे एयरप्लेन से एंड वहाँ पहुँच के मैंने बोला कि थोड़ा डिफरेंट है यहाँ पे, तो इज लाइक आज तो मुंबई ना मेरी आंखों से देखेगी, तेरा तो लास्ट एक्सपीरियंस है ना वो चेंज हो जाएगा। तो क्या कहना चाहेंगे आप सर जी? रियली अमेजिंग अमेजिंग। कुछ नहीं कहूँगा मैं अभी फिलहाल, अभी कुछ अच्छा होने का वेट कर रहा हूँ। आपकी चुप्पी बयां कर रही है कि कुछ नहीं कहना चाहते आप। मुझे बोल रहा था हितेश कल तक कि मैंने सब कुछ किया है इस बार, मैं सब कुछ कर चुका हूँ, तू तू कुछ नहीं कर रही इस बार। और आखिर में बीवी यहाँ पे आके मार रही है, एग्री तो कर दो इस पे। चलो एनीवेज अब थोड़ा सा अच्छा सा मूड करते हैं, कोई बात नहीं, झोंका देखी जाएगी, चक दे फटे, जहाँ हमने इतना स्ट्रगल किया तो ये तो क्या ही चीज़ है। अब कुछ खाते हैं और सीधा मिलते हैं आपसे, क्योंकि हम जा रहे हैं मासी घर में, से बताया वहाँ जा रहे हैं, तो वहाँ पे ऊपर जो फ्लोर खाली है वहाँ भी नहीं पता क्या सिचुएशन है अभी गाइस, गद्दे लगाएंगे पंखा है कि नहीं कुछ नहीं पता, आइए देखते हैं मजा आएगा। मैंने आते ही पास्ता ट्राई किया है, दिस इज सो गुड गाइस, बहुत डिफरेंट फ्लेवर्स हैं। एंड दिस बर्गर है ये पनीर वाला, प्रेजेंटेशन तो 10/10 है, ये बहुत यम्मी है। अगर आप कभी इस कैफे में आओ तो ये पास्ता भैया से खुद पूछ के उन्होंने ही हमको रिकमेंड किया था, ज़रूर ट्राई करना एक बारी। और जिस बर्गर में हम ट्राई करता था आज ना, मुझे हितेश पे तरस भी आ रहा है और मज़ा भी आ रहा है इसको ऐसे देख के, क्या क्योंकि ये बिल्कुल भी मेरी बात नहीं मान रहे थे। अरे मेरे लेसन्स मेरे सारे, मतलब इसका पूरा मोरल ऑफ द स्टोरी ये है कि बीवी की बात को भी सुनो, हमेशा पति सही नहीं होता है गाइस। बात तो सही है, बीवी माना कि बीवी को डायरेक्शन देने में दिक्कत आती है, बीवी थोड़े से नेविगेशन ये सब यू नो इंटरनेट की दुनिया की नहीं है, गूगल बाबा गूगल मैप की दुनिया की नहीं है, मुंबई आई लव यू, बट बीवी की भी माननी चाहिए। मैं लोगों से जाकर पूछ रही हूँ ना, ये बता दो तो मुझे मना करे, नहीं 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 नहीं, तो मुझे मना कर रहा है कि नहीं 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 मत पूछ, क्यों पूछ रही है, और खुद जब पता चल रहा है कि अब मेरे से नहीं हो पाएगा तो खुद जा जाके लोगों से पूछ रहे हैं कि ये कहाँ पे वो कहाँ पे। अरे मेरे को तो एक्सपेक्टेड था ये सब कुछ, तो मैं तो
रेडी थी इन सभी के लिए, बट ही वॉज नॉट रेडी। तरस भी आ रहा है और हंसी भी आ रही है और मज़ा भी आ रहा है, मतलब सारे इमोशंस मेरे तो एक साथ चल रहे हैं। फाइनली गाइस स्कूटी मिल गई है, पापा को इतने सारे अपडेट दे रहे हैं। ये भैया ने भी हमसे पहले पैसे ले लिए, मैं पहले बता रही हूँ, सारे दिन के पहले पैसे लिए, सिक्योरिटी भी ली है। और इस पागल ने हमको इतने रोहिया में आए हुए, हम लोग यहाँ पे आ गए थे 12:10 पहुँच गए थे मुंबई, और हम जहाँ तक पहुँचे होंगे एयरपोर्ट के बाद लोकेशन तक हमें लगा होगा आधा पौना घंटा और, ठीक है। अब देख लो आप खुद ही 12:10 के बाद और 1:30 बजे के बाद से हम सिर्फ चल रहे हैं, ठीक है। एंड इस भाई साहब ने हमको ये नहीं बताया कि यहाँ पे कोई बंदा होगा ही नहीं, पहले बताते तो हम चीज़ों को सॉर्ट करते। इसने बोला यहाँ पहुँचो, पेमेंट करो, ये ताला, ये लॉक खोलो, सीक्रेट लॉक खोलो, इस सीक्रेट लॉक में आपको चाबी मिलेगी। और भाई मतलब आप देख रहे हो भाई, ये अंकल को जब यही करना था हमारे साथ तो इतना क्यों चलाया हमको। पीछे खाने वाले भैया का खाना बहुत टेस्टी था बट बहुत एक्सपेंसिव है गाइस, मतलब मेरा 1200 रुपये का बिल आया है एक बर्गर का, पास्ता का, एक कॉफ़ी का, हमारा 1200 रुपये बिल आया है। चलो वो भी कोई बात नहीं, कोई फूड यम था, रिलैक्स किया हमने वहाँ पे, वो बंदा बहुत अच्छा था। सो चलो वो तो चलता है, बट तो लिया है, लेकिन अगर पैसा तो आएगा, मेरे पास टेंशन तो है नहीं अब, बट यहाँ से हम निकलते हैं एंड रास्ते में कुछ लेते हो जाएंगे मासी के घर के लिए। पापा का घर से फोन आ रहा है, घर वालों को भी पहुंच पता चल गया कि क्या हुआ है हमारे साथ, पूरा परिवार डरा हुआ है। एंड दे आल्सो लाइक कि तुम लड़ाई क्यों कर रहे हो, बाहर जाके अपना आराम से घूमो, कहीं और कर लो। पर हमको कौन बताया कि कहीं और भी नहीं हो रहा है यहाँ पे। तो यहाँ आते ही हितेश अपने सारे साहब की बात मानते हुए पहुँच गए बाबा फलूदे के पास, और यहाँ पे हमने ऑर्डर किया है बाबा डबल स्पेशल फलूदा, है ना, इनका बेस्ट है, जो कि इनका बेस्ट है। और यहाँ पे कभी कांटी गई थी, उन्होंने बोला कि बेटा पहले ये ट्राई करोगे, फर्स्ट टाइम खा रहे हो, तो हमने उसको हाफ ऑफ करवाया है ना, हाफ ही देते। चलो गुड गुड, पहली बार मैं ऐसे कुछ सुन रही हूँ आपके मुँह से, गुड। मैंने बहुत तारीफ सुनी, हमारे भी कोई तारीफ कर दो। वैसे मज़ा आ रहा है, आपको आ रहा है? मुझे मजा आ रहा है, मेरे पति मेरी बात नहीं माना था। अब हम फलूदा खाएंगे, एंड वैसे खाने की बहुत सारी जगह बता दी हमें हमारे घर वालों ने। स्नेहा दीदी के इन लॉज यहाँ पे रहते हैं, जिन मासी घर में जा रही हूँ उसके इन लॉज हैं, तो उन्होंने बहुत सारी जगह बता दी हमको। स्नेहा दीदी ने बहुत सारी जगह बता दी है, जीजू भी सुबह से कॉल किए जा रहे हैं, वहाँ से पापा भी सुबह से कॉल किए जा रहे हैं कि क्या कुछ खाया नहीं खाया, कहाँ खा रहे हो। तो खाने का तो जुगाड़ हो जाएगा, बाकी हम इंडक्शन सब लेके आई हूँ मैं इस बार, बाकी लेट्स सी। तो भाई ये 1/2 है भैया, इतना बड़ा। अब मैं पहले मैं खाऊं, पहले सिप ले लूं, ये का डायरेक्ट स्पून डाल भैया, सिप कैसे लेनी है भाई, ये बहुत बढ़िया लग रहा था। फाइनली 10:30 बजे सुबह के आए हैं मुंबई में, और अब जाके हमें कल रात के 5:30 बजे के जागे हुए हैं, और अब कितने बज रहे हैं, 10:30 बज रहे हैं। अब जाके हम अपने होटल रूम में आए हैं। मास ने बहुत कोशिश की चीज़ों को बैलेंस करने की, और दे भी दिया हमको, वहाँ पे चीज़ें बैलेंस हो गई थी, बट कुछ सरकमस्टांस की वजह से हमको जाना पड़ा। और बढ़िया है भाई, मुंबई आई लव यू। पूरा हालत देखो क्या हो रहा है यार। गाइस मिलते हैं आप लोगों से अगले व्लॉग में, क्योंकि अब हम थक चुके हैं। तो हम लोग अब रेडी हो गए हैं और अब जा रहे हैं मुंबई दर्शन के लिए, और दर्शन तो हो गए बेबी, अब जिस काम से है उस काम के लिए जा रहे हैं, जिस काम के उस काम के लिए जा रहे हैं। बट मुझे लग रहा है कि हम इतना रेडी शेडी हुए हैं और बाहर जाते हैं भीग जाएंगे, क्योंकि बाहर बहुत तेज बारिश हो रही है, और बोलो यार मुंबई की ट्रेन बहुत गंदी होती है। अभी रशिका ने मस्त एकदम लोड ड्राई करा है, दोनों अलग अलग होते हैं क्या? तो ब्लो ड्रायर और ड्रायर में फर्क क्या होता है? फोटो खिंचवाना